बीजेपी लोकसभा चुनाव में 2019 की तुलना में कम सीट पाई, इसलिए बीजेपी के पतन की चर्चा चारों तरफ होने लगी थी। वजह साफ थी, साल 2019 में 303 सीटें जीतने वाली बीजेपी 400 पार पाने का दावा कर रही थी, लेकिन मामला 240 पर ही अटक गया। कांग्रेस और उसके घटक दल इसे अपनी जीत के रूप में प्रचारित करने लगे और हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान और बिहार में मिली कम सीटों की दुहाई देकर बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनाव में पटखने की दुहाई भी देने लगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। लोकसभा चुनाव के चंद महीने बीतने के बाद ही इन राज्यों में बीजेपी ने जोरदार सीटें जीतकर विपक्ष के सारे सपनों पर पानी फेर दिया। जाहिर है हरियाणा और महाराष्ट्र का परिणाम कांग्रेस के लिए कोई बुरे सपने से कम नहीं है। वहीं यूपी, राजस्थान और बिहार के उपचुनाव में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन कांग्रेस सहित घटक दलों के तैयार नैरेटिव को बुरी तरह ध्वस्त कर दिया। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी 9 सीटों पर पहुंच गई, जो कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद 23 सीटों पर थी। बीजेपी महाराष्ट्र के परिणाम को लेकर हैरान थी, लेकिन मैसेज बहुत साफ था कि संविधान में बदलाव और जाति जनगणना के मुद्दे के अलावा मराठा आरक्षण भी बीजेपी के खिलाफ गया था। इतना ही नहीं, शिवसेना और एनसीपी में टूट को लेकर महाराष्ट्र की जनता साफ तौर पर नाराज थी, इसलिए बीजेपी सहित एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी को महाराष्ट्र की जनता ने कड़ा सबक दिया। इस परिणाम के बाद शिवसेना के नेता संजय राउत हों या कांग्रेस के नाना पटोले, सभी ने मिलकर बीजेपी के गठबंधन महायुति को विधानसभा चुनाव में सबक सिखाने की बात को जोर जोर से प्रचारित करने लगे थे। बीजेपी महाराष्ट्र में खराब प्रदर्शन को लेकर सकते में थी और राज्य में महायुति के सेनापति के तौर पर एकनाथ शिंदे की प्रतिष्ठा भी दांव पर थी। एक तरफ एकनाथ शिंदे और अजित पवार को ये साबित करना था कि असली शिवसेना और एनसीपी उनकी पार्टी ही है, वहीं राज्य में बीजेपी को अपना खोया जनाधार पाना सबसे बड़ी चिंता की सबब थी। बीजेपी जान रही थी कि महाराष्ट्र की हार केंद्र सरकार की मजबूती पर भी सीधा असरदार साबित होगा, इसलिए बीजेपी अपनी खामियों पर काम करने के अलावा वोटरों को जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही थी। इसका परिणाम अब सामने है। 149 सीटों पर लड़ने वाली बीजेपी 132 सीट पर जीत दर्ज कर चुकी है और इसका स्ट्राइक रेट 90% रहा है। बीजेपी के इस प्रयास में शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी ने 57 और 41 विधानसभा सीटें जीतकर इतिहास कायम कर दिया। असली शिवसेना और असली एनसीपी की लड़ाई में एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों कामयाब हुए। वहीं बीजेपी महाराष्ट्र में अपने घटक दलों के साथ जोरदार मेजोरिटी पाकर संविधान खतरे में है और बीजेपी ओबीसी विरोधी है वाली नैरेटिव की धार कुंद करने में कामयाब रही। महायुति 288 में से 232 सीटें जीतकर परचम लहराने में कामयाब रहा है। लोकसभा चुनाव में 14 सीटें कम पाने वाली बीजेपी विधानसभा चुनाव में 90% स्ट्राइक रेट से सीटें जीतकर कांग्रेस को धराशायी करती दिखी है। ऐसा ही हाल अक्टूबर महीने में हरियाणा में दिखा था। लोकसभा चुनाव में 5 सीटें हारने वाली बीजेपी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में मुंह की खाएगी, ये कांग्रेस तय मान रही थी, लेकिन नतीजे उसके उलट आए और राज्य में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने में सफल रही। अंत में कांग्रेस को मुंह बंद करने पर विवश हो गई। ऐसा ही परिणाम लोकसभा में बीजेपी को राजस्थान में मिला था। पिछले 2 चुनाव में 100% यानी कि 25 सीटें जीतने वाली बीजेपी 14 पर सिमट गई थी, इसलिए राजस्थान के उपचुनाव में बीजेपी ने 7 में से 5 सीटें जीतकर एक बार फिर राजस्थान में मजबूत पकड़ का परिचय दिया। कांग्रेस लोकसभा की बढ़त को कायम रखने में सफल नहीं रही और परिणाम स्वरूप बीजेपी अपने खोए जनाधार को वापस पाने में कामयाब दिखी। साल 2019 में 303 सीटें पाने वाली बीजेपी इस बार के लोकसभा चुनाव में 240 पर सिमट गई। बीजेपी को अकेले महाराष्ट्र में 14, राजस्थान में 10, यूपी में 29 और बिहार में 5 सीटें सहित हरियाणा में 5 सीट का नुकसान हुआ। हरियाणा में सरकार बनाकर बीजेपी ने जोरदार तरीके से भरपाई की, वहीं राजस्थान और बिहार में उपचुनाव में 7 में से 5 और बिहार में सभी सीटें जीतकर जोरदार वापसी की है। यूपी में भी 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी की 7 सीटों पर जीत समाजवादी पार्टी की पीडीएफ फॉर्मूले को ध्वस्त करती दिख रही है। आंकड़ों से साफ है कि लोकसभा चुनाव में जहां जहां बीजेपी को नुकसान हुआ था, वहां विधानसभा चुनाव में जोरदार वापसी कर बीजेपी ने धारदार तरीके से अपना परचम लहराया है, इसलिए महज 6 महीने के भीतर बीजेपी साल 2019 वाली स्थिति में दिख रही है, जब बीजेपी अकेले दम पर 303 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब हुई थी।
बैसाखी पर केंद्र की सरकार चलने को लेकर आक्रमण करने वाली कांग्रेस फिर से 2019 की तरह डिफेंसिव दिखने लगी है। महाराष्ट्र और हरियाणा की हार कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी हार है। वहीं झारखंड में जेएमएम के नेतृत्व वाली सरकार बनने से कांग्रेस को थोड़ी आफियत जरूर मिली है, लेकिन झारखंड में विधानसभा की जीत का पूरा श्रेय हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को जाता है। बीजेपी ने महाराष्ट्र में ओबीसी वोटरों को जोरदार तरीके से एकजुट किया। वहीं लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने के नैरेटिव को बीजेपी ध्वस्त करने में कामयाब रही। विदर्भ में ओबीसी की छोटी छोटी जातियों का कॉरपोरेशन बनाकर बीजेपी उन्हें साधने में सफल रही। एक तरफ बीजेपी छोटी छोटी जातियों को एकजुट कर रही थी और मराठा आरक्षण के विरोध में ये जातियां गोलबंद हो रही थीं, वहीं कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी सीटों के बंटवारे में अंतिम तक उलझे रहे। महाअघाड़ी में सीएम पद को लेकर जोरदार भिड़ंत थी, इसलिए एकजुट होकर एक मैनिफेस्टो तक रिलीज करने में महाअघाड़ी नाकामयाब रही। हद तो तब हो गई जब उलेमा काउंसिल के दबाव में आकर महाअघाड़ी उनके 20 मांगों को मानने को लेकर भी पब्लिक में बयान देने लगी। जाहिर है, एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों ने हिंदू वोटों की गोलबंदी करने में कारगर रही। इन वजहों से खोए हुए जनाधार को जोरदार तरीके से पाकर बीजेपी ने अपने विरोधियों को करारा जवाब दिया। हरियाणा में भी बीजेपी छोटी जातियों को गोलबंद रखने में कामयाब रही है, इसलिए कैंपेन की खासियत और संघ को साथ लेकर प्रचार में जुटी बीजेपी को तीसरी बार सरकार बनाने में सफलता मिली। वहीं यूपी में जो नैरेटिव समाजवादी पार्टी के पक्ष में तैयार हो रहा था वो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ध्वस्त हो चुका है। सपा ने लोकसभा में 37 सीटें जीतकर इतिहास रचा, लेकिन चंद महीनों में 9 से 7 सीटों पर मिली करारी हार ने फिर से यूपी में बीजेपी के पक्ष में माहौल बना दिया है। मुरादाबाद के कुंदरकी में बीजेपी को मिले जीत बीजेपी के लिए और उत्साहवर्धक है, क्योंकि यहां 60% आबादी मुसलमानों की है। राजस्थान में कांग्रेस को उपचुनाव में 7 में से केवल 1 सीट मिली है, जहां कांग्रेस महज 2300 वोटों से जीतने में कामयाब हुई है। वहीं दूसरी सीट भारतीय आदिवासी पार्टी को मिली है, जबकि बाकी अन्य 5 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। ऐसा ही हाल बीजेपी का बिहार के उपचुनाव में दिखा, जहां एनडीए 4 की 4 सीटें जीतने में कामयाब रही और आरजेडी गठबंधन को अपनी 3 सीट से हाथ धोना पड़ा।